हेलो दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक अर्जेंट नोटिस रिलीज किया है। यस दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी ने कुछ स्टूडेंट के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। तो किस स्टूडेंट को एग्जाम को पोस्टपोन हुआ है और क्या रीजन है कि मुंबई यूनिवर्सिटी को ये अर्जेंट नोटिस देना पड़ा है। दोस्तों, मैं सूरज सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, All the student of IDR are hereby informed that the Institute of Digital and Open Learning, University of Mumbai will remain closed Monday 7 February 2022. दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी मंडे के दिन बंद रहने वाला है। IDR मंडे के दिन बंद रहने वाला है, मतलब आज के दिन ये बंद रहने वाला है, तारीख 7 फरवरी को। अब दोस्तों, बंद इसलिए है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लता मंगेशकर का देहांत हो गया है, जिस वजह से बैंक हॉलीडे दे दिया गया है। काफी कुछ बंद है मुंबई में, जिस वजह से मुंबई यूनिवर्सिटी भी आज के दिन क्लोज की गई है। अब वे बच्चे ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जो एमए के स्टूडेंट हो और एमकॉम के स्टूडेंट हो, बिकॉज इन स्टूडेंट का एग्जाम आज के ही दिन था। यस दोस्तों, एमकॉम की बात करूं या एमए स्टूडेंट की बात करूं तो इनका एग्जाम 7 फरवरी से चालू होने वाला था, मतलब आज के दिन से इनका एग्जाम चालू होने वाला था, जो अभी कोई भी एग्जाम नहीं हो रहे हैं। इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है मुंबई यूनिवर्सिटी ने, तो किसी भी स्टूडेंट को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का रिवाइज एग्जामिनेशन शेड्यूल अनाउंस होने वाला है, जैसा ही यूनिवर्सिटी के साइट पे आप लोगों का रिवाइज टाइम टेबल आ जाएगा, दोस्तों मैं आप लोगों को उसका भी वीडियो बना के दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।